हिंदी की मशहूर लेखिका और कथाकार मनु भंडारी 15 नवंबर 2021 को इनका निधन हो गया। वह साहित्यकार राजेंद्र यादव की पत्नी थी। आपका बंटी जैसी मशहूर रचनाओं की लेखिका है 90 वर्ष की मनु अपने लेखन में पुरुषवादी समाज पर चोट करती थी। उनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनमें से कुछ पर फिल्म भी बनी थी, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आंखों देखा झूठ और त्रिशंकु जैसे कई कहानियां लिखी। आज यहाँ मनु भंडारी लिखित यही सच है ये कहानी अभी वाचित कर रही हूँ। शहर कानपुर। कहानी यही सच है। सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए हुए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी है, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नजर से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज की बात है क्या? हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे दो घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं? मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वो आया वो आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है, आंटी हमें कहानी सुनाओगी? नहीं नहीं अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेस मेहता भी एक ही है, यो तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती पर बच्ची को जब तक मेरा सिर खाने को भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आजादी से घूम फिर सकती थी? खट खट खट, वही परिचित पदध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती, हंसता हुआ आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर, रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ थोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं,
तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं। पर कुछ कह नहीं पाती, एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही है, पर मैं क्या करूं। तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्ते पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लार दुलार दिखाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध नहीं टिक पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारा फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल न रहे तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे मैं भूल गई। सुनो, ईरा ने लिखा है किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू को बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से, कुछ याद करते हुए पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मजा आ जाएगा। दीपा दीपा मजा आ जाएगा। हम सड़क पर नहीं है, नहीं तो अवश्य उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों, मुझे इसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वो चाहता है कि मैं कलकत्ता चले जाऊं, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो मैं अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किचकिच से तो मेरा मन उब गया है। कितनी ही बार सोचा था कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने मुझे हमेशा बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एक टक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है, पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी और को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निशित भी तो वही है। होगा, मुझे क्या करना है उससे, मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वो यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना,
वो छेड़ने के लहजे में कहता है। और मैं भपक पड़ती हूँ, देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो, मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वो खिलखिला कर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं छटप कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख लेने दो, आप ही कुड़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है यह बेशर्मी, और सच ही मुझे रास्ते में ऐसे हरकतें करने पसंद नहीं है, चाहे रास्ता जितना ही निर्जन क्यों न हो। रास्ता ही है, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है, यह भी जैसा उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश सी, खोई खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूल को ही निहारती रहती है। भाग 1 समाप्त।